हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अन एकेडमी, सॉरी नून एकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम 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 तोशिक, रितेश, विराट, हाउ आर यू? कैसे हो हाइड्रा? वेलकम वेलकम विग्नेश, वेलकम रोहन, शुभम, रितेश, जानवी, कैसे हो? चलो सभी लोग फटाफट आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही मजा आएगा आज क्लास में, ठीक है? सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करेंगे। यस अभिनव, वेलकम वेलकम। प्राची, विग्नेश, कैसे हो? समर्थ, वेलकम। ओम, नयन, पीयूष, अनंत, दिव्या, करण, कैसे हो? व्हाट इज कैटलिस्ट? आदित्य ने पूछा है। इट इज द केमिकल सब्सटेंसेस विच बूस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। सर एक बार आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने एनआई पे सेंड करो ना। ठीक है, चलेगा चलेगा जानवी, आई विल सेंड, डोंट वरी। 10 साइंस का क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, आ जाएगा, उसके ऊपर मैं वीडियोस डाल दूंगा। Yes, perfectly, which speed up the reaction. So today we are going to study on second chapter. Yeah, perfectly. Living organism and life process. अभी करो, please, बाद में याद नहीं रहता। नहीं, मैं कर दूंगा, I will do, don't worry, जानवी, definitely. Yes, welcome विनायक, कैसे हो? Hello, hello, hello. Welcome गौरी, रुतुजा, समीक्षा, विग्नेश, thank you so much. आशु, आदित्य, आदि, कैसे हो? नयन, स्टडीज आपने 5 बजे लिया था क्या? यहाँ यस शायद। मयूरी वेलकम, रक्षा, पूर्वा, कैसे हो? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गम, गीतम, रितेश, हर्षल, महेश, सम्यक। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन भी हो जाएगा, डोंट वरी। 10th स्टैंडर्ड बैंक क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। ओके आशु, एंड जिसने भी पूछा है, वेलकम अनुज, कैसे हो? सर बड़ी बार नॉट स्टडिंग ऑन, वो उसको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो छोटा सा टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार, इससे इंपॉर्टेंट वो नहीं है। वेलकम ओमकार, नयन, चलो ठीक है। यस, ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है आज। अच्छा, इट्स ओके ओके। थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। सर नोट्स नहीं मिल रहा है आपके टेलीग्राम पर भी, किसी ने नहीं भेजा। ओके ठीक है यार, मैं भेज दूंगा नैना, डोंट वरी, आई विल सेंड। चैप्टर 6 जल्दी लो सर, चैप्टर 6 में कहाँ पहुंच रहे हो हर्षल? ठीक है, ले लूंगा मैं, ओके ले लूंगा मैं, ओके। यस बोलो नयन, हाउ आर यू? सर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, हाँ यस राजश्री, बस ह्यूमन इवोल्यूशन था, वो हो जाएगा। यस, ह्यूमन इवोल्यूशन था, वो हो जाएगा, बहुत आसान है, उसमें सिर्फ नियंदरथल मैन के बारे में पढ़ लो, बाकी चीजें कंप्लीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को आज के। सर आज 2 लेसन्स भी चालू हो जाएगा। यस, आज परफेक्टली सेकंड लेसन चालू होगा। क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस परफेक्टली आ रहे हैं, उसी को पढ़ते रहो। सर आज एटीपी फॉर्मेशन और अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया। यस ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट टॉपिक। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है क्या? ऑब्वियसली यार, स्टार्टिंग के 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यस वेलकम साईराम, कैसे हो? क्रैब साइकिल, परफेक्टली। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज की इस अपनी क्लास को बहुत ही मजेदार तरीके से। सभी लोगों का वार्म वेलकम टू नून एकेडमी। लेट्स बिगिन, चलो। So, सबसे पहले गाइस बता दूं कि माय नेम इज प्रशांत एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन ऑल एंड ऑल, ओके। और ये आज के टॉपिक का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। ये है साइंस क्लास 10th बायोलॉजी का वार्ड, चैप्टर नंबर 2। एग्जैक्टली क्लास 5 को होनी चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई यार, टाइम 5:45 कैसे हो गया, मतलब कुछ टाइम का इशू हो रहा है, बट एस स्टिल चलो हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सर पॉइंट्स क्या है लीडरबोर्ड नहीं समझ रहा सर, बाद में भी लेक्चर होते हैं ना। हाँ यस यस यस, व्हाई नॉट। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को।
ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले भाई हमारी बॉडी क्या है, हम सब हैं ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान देना है अच्छे से तुम लोगों को, हर एक पॉइंट पे तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड नथिंग, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बट आई डोंट नो, तुम लोग को वो तुम्हारे एंड में मालूम पड़ेगा, मेरे एंड से नहीं पता चलेगा कि तुम रिकॉर्डेड देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन, यस यस, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा श्रुतिका, डोंट वरी, क्वेश्चन बैंक आने दो, आई विल प्रोवाइड, जस्ट वेट अ मिनट, मैं सब कुछ दे दूंगा, थोड़ा एक दिन आज का वेट कर लो, 12th का आ गया, 10th का भी सारा आ जाएगा। ओके चलो, तो देखो गाइस, हम सब के सब हैं ह्यूमन बीइंग्स, और जितनी भी हमारी यहाँ पे टोटली कंप्लीटली जो हमारी बॉडी है, यहाँ पे जरा तुम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है, हमारी जो यहाँ पे कंप्लीट बॉडी है, ये बॉडी हमारी बनी हुई है सेल से, ठीक है। हालांकि बॉडी ऑर्गन से नॉन नॉन सारी चीजों से, ये थोड़ा बेसिक से जो 9th में था तुम लोग को, ठीक है, इसको पढ़ लो, ये सेल से बनी है। व्हाट इज सेल? ये एक हमारा बेसिक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि हमारे बॉडी में एकदम बेसिक जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो हमारे बॉडी का फंक्शन है, ये सब कुछ सेल ही कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, इस बात को आपको ध्यान देना है, हमारी कंप्लीट बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, हम कैसे दिखते हैं, हमारी स्किन कैसी होगी, हमारे स्किन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनलिटी कैसी होगी, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन से वो वर्क कैसे करेंगे, सारी फंक्शनलिटी सब सेल कंट्रोल करता है। ईच एंड एवरीथिंग सेल कंट्रोल करता है, इस बात को ध्यान देना। इनफैक्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि जो सेल होता है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा कंप्लीट सेल होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, वो सारे जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को वो भी डिफाइन करती है, डीएनए आरएनए वगैरह वगैरह, ठीक है, किस तरीके से प्रोटीन क्रिएट होता है वो सब कुछ हमने वहां पे देखा था। और इसी सेल के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ के प्रोसेस हमारे बॉडी में परफॉर्म होते हैं। आप कहोगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ के प्रोसेस कौन से हैं, वो लाइफ के प्रोसेस कौन से हैं, चलो अब उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई, बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल लाइक डाइजेशन, सबसे पहले ले लो, खाना खाओगे उसके बाद एक्सक्रीट करोगे यानी उसे बाहर निकालोगे, एक्सक्रीशन होगा, फिर उसके बाद उसके अंदर जो मिलेगी एनर्जी उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करोगे यानी सर्कुलेशन हो गया, समझा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बातें आपको ध्यान देनी है, ये सारे हमारे बॉडी में होने वाले लाइफ के प्रोसेस कहलाते हैं, इन बातों को समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लाइक सेल डिवीजन ऑल्सो, तो सेल डिवीजन भी आगे चल के हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ये सबके सब हमारे लाइफ के प्रोसेस हैं, ऐसे बहुत सारे। हाँ यस, रिप्रोडक्शन को कैसे बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, ठीक है, तो ये भी हमारे लाइफ का प्रोसेस है, तो जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सब के सब हमारे लाइफ के प्रोसेस कहलाते हैं, इस बात को आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। चलो यस परफेक्टली यस, 6 को वहां पे लेक्चर्स नहीं होगा रितेश, चलो अब यहाँ देखो अच्छे से, अब ये सारे लाइफ के प्रोसेस है, हमारी पूरी बॉडी ये सारे लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। अब जरा आप बताओ, इतने बड़े बड़े प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए? हमारे बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, क्या चाहिए होता है हमारे बॉडी को? एनर्जी। लेकिन जो ये एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलेगी? तो ये जो एनर्जी है वो बेसिकली हमारे बॉडी को एटीपी के फॉर्म में मिलती है, विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम लिख देता हूं साइड में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे एटीपी का फुल फॉर्म है, तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फिर इस तरीके से फैट है यानी लिपिड वगैरह है जो, और विटामिन है, ये सब के सब ये एनर्जी डायरेक्टली नहीं होते, हमारे बॉडी में जो सेल काम कर रही है, सारे फंक्शंस जितने भी यहाँ पे लाइफ के प्रोसेस हैं, इन सभी को सेल हमारा फंक्शन करता है
सभी के सभी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हो जाएगा आर्यन ह्यूमन एवोल्यूशन भी, डोंट वरी, क्या टेंशन है, हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लो ना, इससे इंपॉर्टेंट जरा क्या हो सकता है। फिर ये खत्म होगा तो हम लोग थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे लाइफ के प्रोसेस हैं, सभी के सभी इन लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सेल की जरूरत है, जो मैंने इसके पहले अभी बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, वही, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ना, ये जो सेल है इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी की जरूरत होती है, और जिसका नाम है एटीपी, बाकी किसी एनर्जी की इसको जरूरत नहीं होती। और एटीपी कहां से मिलता है? एटीपी मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल लाइक तुम लोग जो हमारे पास फूड के मटेरियल जो है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, यह सब कुछ। तुमको एक चीज सिखा देता हूं, पहले नोट्स दिखाने से पहले सब कुछ सिखा देता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान दो। हमारी बॉडी है, बॉडी के ये सेल है, इसको चाहिए होता है एटीपी, ठीक है। इसको क्या चाहिए? इसको एटीपी चाहिए। एटीपी कहां से मिलेगा? ठीक है, यहां पे मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल से लिख दो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल से। और ये कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, जरा ध्यान देना अच्छे से, ये है प्रोटीन, प्रोटीन ध्यान दो, जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद विटामिन्स, इन सभी से मिलता है, हालांकि विटामिन से इतना कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो अच्छे से, अब यहाँ पे समझना, देखो यानी कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन आएगा, हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट आएगा, तो हमारे बॉडी में एटीपी भी आएगा, लिपिड्स लिख लो, हाँ चलेगा। अब ये प्रोटीन कहां से आएगा? तो हमारे बॉडी में प्रोटीन आएगा मिल्क लेने से, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश खाने से, और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? व्हीट खाने से, ठीक है, जो चपाती होती है वो सब खाते हैं ना, रोटियां वगैरह, ये सब खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, एग्जैक्टली समझो जरा अच्छे से, अब अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायो मॉलिक्यूल, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है एग्जैक्टली, तुम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे इन क्लास 12th, बायो मॉलिक्यूल नाम का एक चैप्टर मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है, उसको इन फ्यूचर पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक यहाँ पे मोनोसेक्राइड है, डायसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, उसके अंदर भी फिर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें यार, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, बहुत कुछ है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तुमने कभी भी लाइफ में नाम सुना होगा ना, ग्लूकोज का, लैक्टोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, ये जितने भी चीजें हैं ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यस परफेक्टली वरुण, सत्यम, निकिता, सही कहा नैना तुम सभी लोगों ने, ठीक है, यस परफेक्टली, यस आदित्य। तो जितने भी चीजें हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट ही कहलाते हैं, ओके। और ये सब कहां से मिलता है? ये वीट वगैरह से, ये सब कुछ हमें प्रोवाइड होता है, ओके। तो ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जब हम खाना खाते हैं तो ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में मिल जाता है उस खाने से, थ्रू द डाइजेशन प्रोसेस। और यही कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के ब्रेक डाउन करने के बाद हमें मिलता है एटीपी, जिसकी जरूरत हमारे सेल को होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकिंग डाउन करने के बाद ही हमारे बॉडी को एटीपी मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को हम ब्रेक नहीं करेंगे तो हमें कभी भी एटीपी नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे के सिस्टम को बढ़ेंगे। सर साइंस के क्वेश्चन बैंक कब तक आएंगे? अरे आ जाएगा यार, मुझे थोड़ी पता है, आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यस जरा ध्यान देना अच्छे से। तो हमारी देखो, हम भाई सिर्फ खाना खाने से मतलब रखते हैं, हमने खाना खाया, हमारे बॉडी को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिला, उसके बाद क्या होता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है, जब हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद यही मिलते हैं थ्रू द डाइजेशन, डाइजेशन जब हमारे खाने का पूरा अच्छे तरीके से हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, और यही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? एकदम ये कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम हार्ड है। इसको ब्रेक करोगे ना तो जाके तुमको एटीपी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, समझा? और इसको ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आज हम जानेंगे।
ठीक है। यानी कि देखो सिंपल तरीके से तुमको समझा देता हूं, सिंपल तरीके से कि देखो भाई हमको चाहिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे सेल की सबसे बड़ी एनर्जी का रिसोर्स है। और हमारे पास प्रेजेंट है मान लो कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है हमारे बॉडी में प्रोटीन का लेवल बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, दिन भर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, क्या लेते हो ले लो। तो समझो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोज ज्यादा है। प्लांट्स की अगर बात करता तो वहां पे सेलुलोज होता है, सेलुलोज हमारे बॉडी में ग्लूकोज, ठीक है। हाँ स्टार्च वगैरह सब कार्बोहाइड्रेट ही तो है तोशी, ठीक है, स्टार्च भी, ठीक है। आगे चल के माल्टोज है, सब कुछ पढ़ोगे यार, इन फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ दो। पूरा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पूरा एक चैप्टर बनाया गया है केमिस्ट्री का, बायो मॉलिक्यूल नाम का, क्लास 12th में। तो वैसे ही थोड़ी बनाया है, कुछ तो इस चैप्टर में है ना। कार्बोहाइड्रेट कोई छोटी चीज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पूरे 25 पेज का एक चैप्टर है। यू विल नॉट बिलीव, तुम अगर अकेले सिर्फ मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो इसके टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, अगर उसको पढ़ने बैठोगे ना, तुम लोग को आराम से 5-6 घंटे की स्टडी हो जाएगी। ये छोटी चीज नहीं है, दिस इज बायो मॉलिक्यूल, बोला ना, ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ी चीज होती है, मतलब सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ रिसोर्स है ये एनर्जी का हमारे बॉडी में, ये बात ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ यस परफेक्टली, चलो। तो अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज लिया, जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मली होता ही है, तो ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, जब तक इस ग्लूकोज को ब्रेक नहीं करूंगा तब तक एटीपी कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो अभी भी वही है कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में कैसे आया। जो हम दिन में खाना खाते हैं, वीट, रोटी, चपाती, दुनिया भर की चीजें जो भी हम लोग खाते हैं, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें वहां से मिलता है उस खाने से। और फिर ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ब्रेक करूंगा नहीं तब तक एटीपी मिलेगा नहीं। लेकिन ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओहो, यानी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए रहेगा। और ऑक्सीजन किधर से आएगा? ऑक्सीजन आएगा रेस्पिरेशन से। यहाँ पे कौन सा लाइफ का प्रोसेस एंट्री मारा? यहाँ पे रेस्पिरेशन ने एंट्री मारा। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? यानी कि किसी ने जिंदगी में अगर पूछ लिया कि हमें रेस्पिरेशन की क्यों जरूरत होती है, तो बता देना उसे कि भाई पहले तो तुम ये बताओ कि जो मैं बताऊंगा तुम समझ पाओगे। अगर वो कहेगा कि हाँ हाँ समझ पाएंगे, तो फिर बता देना कि रेस्पिरेशन की जो जरूरत होती है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन, पहले सुनो। रेस्पिरेशन में हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं। इस बात को तुम्हें समझना है। तो कभी सोचा है कि हम ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं? कभी सोचा है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन ही चाहिए? तो अब समझ में आया क्या? जो खाना खाया है उसकी एटीपी बनानी है, और जो खाना खाया है उससे क्या मिला है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ब्रेक करना है तो ही एटीपी बनता है, और एटीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर सेल, ठीक है। तो एटीपी तो बनाना ही पड़ेगा सेल के लिए। तो एटीपी कब बनेगी? जो खाना खाया है उसमें से जो ग्लूकोज मिला है उसको ब्रेक करने के लिए। बट ब्रेक करने के लिए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो ऑक्सीजन किधर से आएगा? तो एनवायरमेंट से आएगा, क्योंकि बाहर ही नेचर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसके लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। समझा अच्छे से? इस बात को समझ में आया क्या अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? ओके, इतना समझा क्या? आगे मैं ग्लाइकोलाइसिस वगैरह वगैरह सब समझाऊंगा, डोंट वरी, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये जस्ट अभी शुरू कर रहा हूं मैं, तुमको एकदम बेस बना रहा हूं, तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूं पहले मैं। आगे चल के मैं वैसे भी सब और डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। तो बस इतना समझ के रखो, तुम लोग 10th में हो, तुम्हें पता है ना, ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो यार देखो देखो, बहुत सारे कह रहे हैं रिपीट करो, तुम्हारा ध्यान पहली बात यहां रख लो, क्योंकि मैं इतना धीरे जा रहा हूं और इतना अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें पहली बार में ना समझे तो ठीक है, मैं दूसरी बार बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से कहता हूं, ध्यान सिर्फ यही रखो, फिर से बताता हूं। देखो समझो, मैं इंसान, कभी सोचा है कि मेरी स्किन कैसे बनी है? चुपचाप कहता हूं, सिर्फ ध्यान दो, कमेंट बॉक्स में सिर्फ ऐसे फटफट टाइप मत करते जाओ, जब मैं स्टॉप करूंगा ना तब तुम लोग कमेंट में टाइप करना, ठीक है। चलो पहले मेरी सुन लिया करो, ओके। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले लिसन केयरफुली, हम सब हैं इंसान,
ह्यूमन बींग्स, हमारी स्किन, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी जो स्किन है वो कैसे बनी है? यस, सेल से बनी है। अगर स्किन को थोड़ा थोड़ा कट कर दो तो अंदर अंदर फिर सेल मिलेगा, जो स्किन है उसके अंदर सेल मिलेंगे। वो सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, वो सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए? उस सेल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में वहां पे चाहिए? उसको डीजल चाहिए क्या? डीजल भी तो एनर्जी है, पेट्रोल भी तो एनर्जी है, ठीक है। रॉकेल जो होता है ना, मिट्टी का तेल, रॉकेल, वो भी तो एनर्जी है, ठीक है। तो क्या सब डाल दोगे क्या सेल में? आईफे थोड़ी चलता है। तो सेल को सिर्फ कौन सी एनर्जी चाहिए? सेल को सिर्फ एटीपी चाहिए। ओके ठीक है भाई, हमारे सेल को एटीपी चाहिए। हम सेल को बाहर से एटीपी दे सकते हैं क्या? हम बाहर से सेल को एटीपी नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम खाना खाते हैं। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, जो मिलता है वही उठा खा लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग खाते हैं, अब ध्यान देना, तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो उससे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिलता है। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से हैं? वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है। ये सब चीजें होती हैं जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, समझा। ये सब हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद मिलता है। एटीपी तो डायरेक्टली मिलता नहीं है, क्या मिलता है हमें? हमें ग्लू, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, ये सब मिलता है। अब जो उसमें से, इन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में से जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे पार्ट है, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ऐसे बहुत सारे हैं। उसमें से जो ये ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ना बहुत ज्यादा लार्ज वैरायटी में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। यही है एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। अभी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज को ब्रेक करोगे तो एटीपी बनती है, ऐसे हमारे बॉडी को पता है। अगर ग्लूकोज ब्रेक हो जाए तो एटीपी बन जाएगी, और हमारे सेल को सिर्फ एटीपी से ही मतलब है ही है। और एटीपी कहां से मिल रही है? ग्लूकोज से मिल रही है। तो ग्लूकोज अगर हमने ब्रेक कर दिया तो हमारे बॉडी में एटीपी आ जाएगी। तो ग्लूकोज को कैसे ब्रेक करोगे? ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन किधर से आएगा? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से आएगा। जब सांस लूंगा तभी ना ऑक्सीजन आएगी, और अगर मैं सांस लेता हूं तो मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं। अभी समझा क्या अच्छे से? तो ये सारा प्रोसेस है, मतलब सब बायोलॉजी में सबका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। देखो कहां से रेस्पिरेशन और कहां डाइजेशन से हमको ग्लूकोज मिला था, समझ रहे हैं? और कहां हमने एटीपी फॉर्मेशन सीख लिया? एक छोटा सा तो सीख ही लिया, अभी तो डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये समझा कि नहीं समझा? रिलेशन समझा, रेस्पिरेशन का कहां से रिलेशन आ गया एटीपी फॉर्मेशन में, और ग्लूकोज मिला था डाइजेशन से। यानी कि हमारे यहाँ पे दो दो लाइफ के प्रोसेस, एक तो रेस्पिरेशन, दूसरा डाइजेशन, तीनों के यहाँ पे दो के दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेशन है। अभी जो तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, जब तुम 11th 12th में जाओगे ना, और तुमको अगर एक अच्छा टीचर मिल गया पढ़ाने वाला बायोलॉजी, पूरे बायोलॉजी का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। अरे कभी सुना है तुमने कि अगर तुमको समझ लो पीछे तुम्हारे एक डंडे बजते हैं तो तुम्हारे ब्रेन में पेन होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? मतलब मारो किधर भी पता चलता है कि मार रहा है भाई, ठीक है। अगर झापड़ बजाएगा तो भी तुम्हारे को पता चलेगा कि वैसे ही पेन हो रहा है। अगर तुम्हारे को किसी ने ऐसे जोर से खींच के एक झापड़ मारा तो भी तुम्हें वैसे ही लगेगा कि पेन हो रहा है। और अगर तुमको किसी ने डंडे से मारा, टीचर लोग हाथ में डंडे से जब मार रहे, तो भी तुम्हें वैसे ही लगता है। तो ये जो सारी चीजें है ना, हमारे एक दूसरे से सबका कनेक्शन होता है, सारे ऑर्गन्स का, इस बात को ध्यान देना। मतलब पेन एक ही टाइप का होता है अगर फिजिकली पेन की बात करूं तो ये सब कैसे है? एक दूसरे से कनेक्शन होता है, ये बात को ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बायोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम इसको जानबूझ के अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी फाइनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन हेल्प करता है इस एनर्जी के, यानी कि एटीपी के फॉर्मेशन में। लेट्स बिगिन, चलो दिखाता हूं तुम लोग को अभी फटाफट, नोट्स वगैरह देख लो फटाफट। देखो भाई, जो मैंने तुमको पढ़ा दिया है ना, वही तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ का प्रोसेस। यहाँ पे जरा देख लो अच्छे से, यहाँ पे सब फटाफट देख लेना कि ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सबके सब सिस्टम होते हैं। ये सारे सिस्टम हमें हेल्प करते हैं बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने में, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग इस चीजों को देख लेना, हमारे बॉडी में कहाँ से मिलती है एनर्जी? मिल्क है, फ्रूट, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट मीट, स्वीट मीट भी होता है क्या, सीरियल्स, वीट, मेज,
ये पता नहीं क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना जरा अच्छे से, ठीक है, जो जो भी यहाँ पे खाने का सामान लिखा हुआ है तो पढ़ लो भाई, सब पढ़ डालो अभी। नींबू पानी, हाँ ठीक है, नींबू पानी से भी विटामिन सी मिलता है, उसे भी ऐसे वैसे मत समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट ऑफ द फूड जो मैंने बताया तुम लोग को अभी, दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। समझा क्या, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। दूसरी बात, यही जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होती है, जो कि ग्लूकोज से मिलती है। तो ये जो नोट से मैंने प्रॉपर तरीके से बना रखा है, इसको थोड़ा फोकस करके पढ़ोगे ना, कसम से कहता हूँ बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा यार, अच्छी खासी तुमको नून अकेडमी से नोट्स मिल जा रही है, तो इसका थोड़ा सा फायदा उठाया करो एंड नथिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो नून अकेडमी, चलिए शुरू करते हैं। चलो यहाँ देखो अभी अच्छे से देखो, शुरू तो कब का कर ही दिया हूँ, अब तो मैं बस मेन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक तो सब बेसिक बताया है मैंने, कब का शुरू कर दिया है। तुम्हें मालूम है ये जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ, करीबन मैंने 50 से 70 बार पढ़ाया होगा, 70 times, you will not believe. पूरे ऑफलाइन क्लास में यहाँ वहां मिला मिला के सब। चलो ठीक है, अरे नोट्स मिल जाएगा यार, तुम लोग को ढूंढने नहीं आ रहे नोट्स, पता है मैं पूरा नोट्स दे के रखा है, तुम लोगों ना नोट्स लेने नहीं आ रहा है, कहाँ से मिलता है तुमको पता ही नहीं है। अब मैं कैसे दे दूं नोट्स, मैं तो बोल रखा है ले लो, तुमको तो दिख रहा है ना, ले लो ना ले लो, अब तुम लोग को लेने ही नहीं आ रहे नोट्स, कहाँ है, अब तुम लोग ढूंढोगे तुम्हारे फोन में, मैं कैसे आके देख सकता हूँ कहाँ से मिलेगा, जस्ट सर्च करो ना कहीं से तो ढूंढोगे, मिलेगा यार। हाँ देखो, उसको आशु को मिल गया है, अब तुम सबको नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ से बताऊं, तुम्हारे घर में आऊंगा फोन में लेके, ऐसे बताऊं ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे मिलेगा, फिर नोट्स डाउनलोड कर लो, मतलब क्या ही कहूं मैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यूट्यूब में मैं अभी एक छोटी सी नोट्स को देने के लिए मैं यूट्यूब में लिंक डालू, वाह कौन है भाई जिसने बताया चलो यहाँ ध्यान दो, अभी कुछ नहीं यहाँ समझो। तो चलो आ जाओ फटाफट, रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन ही तो वो चीज है जो जीवन दान देता है। देखो यहाँ पे तो रेस्पिरेशन भाई दो टाइप का होता है, दो लेवल में होता है, एक है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और एक है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, व्हाट इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा आदिति, दोनों जगह ले सकते हो, चाहे तो यहां ले लो चाहे तो टेलीग्राम में ले लो। अब देखो रेस्पिरेशन में बॉडी लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है ये समझते हैं, जरा ध्यान देना अच्छे से। जो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है, पहली बात तो रेस्पिरेशन क्या है भाई, सीधे सीधे कहता हूं, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, यही होता है रेस्पिरेशन। व्हाट इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन को अपनी बॉडी यानी कि जो हमारी नोज है, नाक है, नाक उसके बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में अगर रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, अगर ये हमारी बॉडी और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में ये प्रोसेस होता है, इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के एक साथ में, यानी इन्वायरमेंट, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें इन्वायरमेंट और एक हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती हो, इसे कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो वही है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है सर, हमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए ना सर, प्लीज रिप्लाई। हाँ हाँ, अरे सही कहा तुमने, परफेक्टली। अब आगे बढ़ते हैं, तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जो है सिर्फ इतना ही नहीं आ रहा कि सिर्फ ऑक्सीजन जो है सिर्फ और सिर्फ एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ही चाहिए होता है, ऑक्सीजन का बहुत कुछ काम के लिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ही सिर्फ नहीं पड़ती, आगे चल के बताऊंगा, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्रेन को जरूरत होती है, बोन्स की ग्रोथ की, अरे कितना सारा चीज है यार सब एक ही, बायोलॉजी छोटी चीज थोड़ी है, अभी 10वीं क्लास में सब बायोलॉजी पढ़ लोगे, समझा ना। चलो ऑक्सीजन का बहुत कुछ काम है, अभी सिर्फ इतना ही समझो कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी बनाना है, यहां ध्यान दो बस, सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन को ध्यान दो, आने वाले लेवल में, आने वाले स्टैंडर्ड में, 11वीं 12वीं में सबको सीख जाओगे, सबका अपना अपना लेवल होता है पढ़ने का, ठीक है, बायोलॉजी छोटी चीज नहीं होती है, हम बायोलॉजी मतलब अपने बॉडी के बारे में पढ़ना, आज भी सारे के सारे बायोलॉजिस्ट लोग हमारे बॉडी के बारे में पूरा पढ़ नहीं पाए, इतनी बड़ी बॉडी है हमारी, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जो है इसका मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटरचेंज है ये हमारे बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में ही होता है,
ये बॉडी लेवल हो गया। और अगर यही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटरचेंज होता है, अगर ये सेल के लेवल में हो, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उस सेल के लेवल में हो, तो उसे कहते हैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। हालांकि सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन और डीप में हम जान सकते हैं, लाइक सेल हमारे बॉडी में एल्वियोलाई तक जाता है वो सब कुछ, तो सब कुछ और कभी बता दूंगा, हाँ रेड ब्लड सेल में परफेक्टली, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दो कि सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन सेल के लेवल में जब ऑक्सीजन का लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का देना ऐसा होता है। तो अब अगर मैं टाइप की बात करूं, ये तो दो लेवल की बेसिस पे टाइप थे, अगर मैं रेस्पिरेशन के टाइप की बात करूं तो दो टाइप है, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, ये जो एरो AERO एरो एयर, ये शब्द का मतलब होता है एयर, ठीक है। तो जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन क्या हो इन्वॉल्व हो, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस बात को ध्यान देना, हम ह्यूमन बीइंग्स एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, इस बात को समझना। कुछ कुछ एनिमल्स ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मोस्टली वायरस बैक्टीरिया ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है ये दोनों करती है। हमारी बॉडी एरोबिक भी करती है एनएरोबिक भी करती है। हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम 2400 घंटे कर रहे होते हैं, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ये तो एरोबिक हो गई, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं यानी कि जब हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, जब हमारी बॉडी कुछ काम करती है, तो हमारे बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, इन फ्यूचर आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये मसल्स जो होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी कि हमारा शरीर हमारी बॉडी दोनों टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। इस बात को प्लीज समझ के रखना। लेट्स बिगिन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में डुबकी लगाएंगे आज हम, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे। चलो फटाफट डुबकी लाने डुबकी लगाने चलो फटाफट। यहां देखो यार देखो, अब यहां पे एक चीज लिख के देता हूं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछ लेगा तुम फटाफट आंसर लिख पाओगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। देखो भाई, जो एटीपी है वो एटीपी बनाना है, एटीपी बनाने के लिए तीन स्टेप की जरूरत होती है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और ये सब शुरू कहां से होगा, अच्छा देखो मैंने क्या कर दिया जानते हो, मैंने एटीपी को इधर लिख दिया जानबूझ के, ये लाइन को उल्टा खींच दिया मैंने, चलो इसको इधर ले लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, चलो 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 इधर कर देता हूं। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये बन गई एटीपी, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरीके से। और यहां पे हमें चाहिए होता है ग्लूकोज, देन होगा ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, देन टीसीए साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, देन लास्ट में मिलेगा एटीपी। यानी कि एक बात ध्यान दे लो भाई, जो बता रहा हूं सुन लो, इसके पहले जो भी सुने हो वो ठीक है, अभी बता रहा हूं उसको सुन लो ध्यान से, एक बात ध्यान देना, एटीपी बनाना आसान नहीं होता, सिर्फ खाना खा लिया और उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा तो काम खाना खा के सो जाना, इतना ही होता है। लेकिन भाई खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है वो अगर हम सिर्फ देखते बैठे तो हमारे से ज्यादा हमारी बॉडी काम करती है, तुम्हें पता है हम जितना वर्क दिन भर में परफॉर्म करते हैं उससे ज्यादा हमारी बॉडी वर्क करती है, ये बात को ध्यान रखो। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हमारे बॉडी में हमारे वर्क से ज्यादा होती है, सोच लो अच्छे से, हजारों गुना टाइम्स 1000 times ज्यादा वर्क हमारी बॉडी करती है। तो हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे बॉडी में यहाँ पे ग्लूकोज हमारे बॉडी में आएगा जिसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। चलिए शुरू करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करते हैं। देखो भाई ग्लाइकोलाइसिस, तो सबसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है
ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। हमने खाना खाया था ना, खाया था कि नहीं खाया था, बिना खाना खाए थोड़ी देर बैठे हैं, ठीक है, खाना खाए थे हम लोग, तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया था, ठीक है। अब जब ग्लूकोज गया तो उसको ब्रेक करेंगे, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को ही इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। जर्मनी में एक वर्ड, मतलब जर्मनी नहीं कह सकते यार, ग्रीक वर्ड, सॉरी, इंग्लिश सारे के सारे ग्रीक वर्ड से बने, ग्रीक और लैटिन। तो जो ग्रीक और कोई तो लैटिन वर्ड है, अब मेरे को इतना नहीं पता है कि ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है। हम यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई इंग्लिश की लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अपने को क्या करना है, जर्मनी से रहे चाहे अमेरिका से रहे, अपने को ग्लाइकोलाइसिस से मतलब है, ठीक है। यहाँ देखो अच्छे से, तो लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। अब देखो, यानी कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, आसान भाषा में अगर बताया जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दूसरी बात, ये होता कहां पे है, तो ऑकर्स ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, तो समझो दिस इज अवर सेल, दिस इज अवर न्यूक्लियस, और ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ खाली है, यही यही एम्प्टी स्पेस हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, और यही पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। आगे बढ़ते हैं, जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक होता है, तो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ये क्या क्या देता है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन क्या क्या देता है, ये हमें देता है, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पायरुविक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल, CO2, ये सब मिलता है। देन आफ्टर दैट ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए में, ठीक है, और ये एसिटाइल को एंजाइम में इंटर करेगा हमारे दूसरे साइकिल में, यानी कि TCA साइकिल में। मतलब देखो एक प्रोसेस को समझो यार तुम लोग, पहले पहले ग्लूकोज आया, हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, जैसे यहां पे हमने ऑक्सीजन लिया, ये ग्लूकोज ब्रेक होगा, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस से जो मिलेगा ना वो TCA में जाएगा, फिर जो TCA से मिलेगा ना वो ETC में जाएगा, और ETCA से जो मिलेगा ना ये ATP कहलाएगा। समझा कि नहीं समझा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ग्लूकोज आएगा ना, ग्लूकोज में ऑक्सीजन दोगे, ग्लूकोज ब्रेक होगा, फिर जो ग्लाइकोलाइसिस होएगा ना, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक हुआ मतलब ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर ग्लाइकोलाइसिस में से जो भी मिलेगा ना वो TCA में एंटर करेगा। तो अभी क्या मिला है हमको ग्लाइकोलाइसिस से, हमको मिला है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहले तो हमने ब्रेक किया ग्लूकोज का, देन हमने ये कहां भी हुआ बताया भाई, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, फिर ब्रेक करने के बाद क्या मिला, पायरुविक एसिड H2O CO2 मिला, और भी मिलती चीजें, बस इतना ही लिख देना एग्जाम में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और यही पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ है, यही यही जो हमारे यहां पे दिख रखा है पूरा का पूरा एसिटाइल कोएंजाइम में, वो इंटर करता है TCA साइकिल में। इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं, समझ गया यहां पे अच्छे से सारी चीजें, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ओके, यहां तक समझा कि नहीं समझा रहे बाबा, आई होप समझा होगा। अब जो हमारा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसे कोई कोई एसिटाइल कोएंजाइम भी कहता है, को ए भी कहता है, एसिटाइल को ए, ये इंटर करेगा हमारे TCA साइकिल में। कहां इंटर करेगा, ये TCA साइकिल में इंटर करेगा। लेट्स बिगिन, अभी हम लोग TCA साइकिल परफॉर्म करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो TCA साइकिल का फुल फॉर्म क्या है भाई, TCA साइकिल के हजार नाम है, वही गाना गा दो, साई तेरे हजारों नाम, ठीक है। इसका नाम है पहला ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, अद्रम बद्रम स्वाहा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देन उसके बाद इसका नाम है क्रब्स साइकिल, ठीक है, ऐसे यहां पे लिख दो अच्छे से। उसके बाद इसका एक और नाम है, अच्छा एक तो TCA साइकिल ही हो गया ना, तो एक तो TCA साइकिल है, चलो तो इस बात को ध्यान रखना। क्रब्स में ना यहाँ पे के आएगा, वो साइंटिस्ट का नाम है यार, ये हम लोग को वो वाला के आ गया, मिटाना कहाँ से रहता है इसको, रुक जाओ जरा, ओके, एक साइंटिस्ट का नाम है यार, उनका नाम सी से नहीं है, अरे यार ये सबमिट क्यों रहा है,
देखो यहाँ पे जरा, उनका नाम सी से नहीं है, के से है, ठीक है? तो ये क्रैब साइकिल है। ये ना, ये साइंटिस्ट लोग का नाम भी अजीब गरीब रहता है। और हाँ, और एक और नाम है इसका, सिट्रिक एसिड साइकिल। एक ही बात, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये इनका एक और नाम है भाई। एक साइकिल के तीन तीन नाम, वाह, इससे अच्छा साइकिल ही ना खरीदूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छा साइकिल भाई, बाइक खरीद लो यार, साइकिल मत खरीदो, पता चलेगा फिर ऐसे हो जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है क्रब्स वगैरह रहेगा भाई इनके नाम से। देखो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों इसका नाम है ये जान लो, बिकॉज कि यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्रब साइकिल क्यों नाम है, बिकॉज एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस साइकिल को बताया था, प्रपोज किया था, हंस क्रब्स उनका नाम था। सिट्रिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज सबसे पहला मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड ही इसमें होता है, जो भी इस मॉलिक्यूल में इस्तेमाल आता है वो सिट्रिक एसिड ही होता है। देखो मैं बताता हूं, जो भी हमने यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया ना, तुम 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, सॉरी 11th में डिटेल में पढ़ोगे। जो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है ना, सच्चाई बताऊं तो तुम्हारी बुक में सब लिखा हुआ नहीं है, तो जो एसिटाइल कोएंजाइम में रहता है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है ना सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट होता है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फिर आगे गाड़ी चलती है हमारी, ठीक है? तो ये हमारा, जानते हो कहाँ होता है, ये हमारा परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा हमारा जो टीसीए साइकिल है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो भैया हमारा पावर हाउस होता है, ये हमारे बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारे बॉडी का क्या है, पावर हाउस है, वो शक्ति है इसमें, ठीक है? चलो फिर जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया था, देखो भाई एसिटाइल को एंजाइम ए जो एंट्री किया था, कहां से आया था, ये ग्लाइकोलाइसिस से आया था, है ना? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। एसिटाइल कोएंजाइम ए किधर से आया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था हमारा पाइरूविक एसिड से कन्वर्ट होके, जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाले का पार्ट है। ग्लाइकोलाइसिस से हमारा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, और यहां पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा NADH2, FADH2, समझ रहे कि नहीं समझ रहे सभी लोगों को, CO2, ये सब बनाएगा। What is the meaning of NADH2, FADH2? ये दोनों अब ध्यान से सुन लेना सभी लोग, किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ वाटर भी निकाल दो यार, पानी तो हर जगह निकलता है, ठीक है? यहां सुनो, किसी को बताना मत, चुपके से तुम लोग को बता रहा हूं। तो NADH2, FADH2 जो है, ये दोनों के दोनों एंजाइम है, समझा? समझा कि नहीं समझा? अभी एंजाइम क्या होता है भी बताऊंगा, रुक जाओ। ये दोनों के दोनों एंजाइम्स होते हैं, और ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, ये NADH2 का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो FADH2 है इसका नाम होता है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, सर अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी, ठीक है? देखो NADH2 का फुल फॉर्म लिख के देता हूं, NADH2 जो होता है ये होता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये सिर्फ साइंस वाले बंदे ही झेल सकते हैं इतने बड़े बड़े नाम, बाकियों के बस की बात ना है रे बाबा, ठीक है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, समझा? द्रम द्रम स्वाहा, इनका मंत्र बन जाएगा, ओम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड स्वाहा। जस्ट एंजॉय यार, समझा कि नहीं समझा? तो बस ऐसे ही पूरा इसका सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। है ना मंत्र की नहीं है? अगर तुम लोग गांव में जाओ और बोलेगा चल मंत्र बोल, तो बस बोल देने का फटफट फटफट, इसको किसको समझेगा कौन सा मंत्र बोल रहा है? दुनिया का कोई भी पंडित आज के वक्त में इस कलयुग में प्रेजेंट नहीं जिसको सारे वेदों के ज्ञान हो। सब एक दो लोग रहेंगे, उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी नहीं कभी, गांव वालों से होगी, वो लोग आधा पंडिताई जानते हैं आधी नहीं पता है, तो बस यही यही मंत्र पढ़ देने का, बस सामने ओम लगा देना, लास्ट में सोहा लगा देना, ठीक है? बस ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? चलो ठीक है, लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, तो ये दोनों हमारे एंजाइम्स होते हैं। व्हाट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि किसी बंदे ने स्टार्टिंग में पूछा था कैटलिस्ट, समझा? हाँ देखो आर्यन ने पढ़ भी दिया, ओम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड स्वाहा। लेट्स बिगिन, चलो यार आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में हमारे किसी ने, एक बंदे ने पूछा था शुरुआत में, तो हमने बोला था कि ये रिएक्शन के रेट को जो बूस्ट करता है, स्पीड अप करता है, ठीक है, वही हमारा कैटलिस्ट कहलाता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। मतलब मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वो रिएक्शन का रेट जो होगा ना उसे बढ़ा देगा, बट फिर भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उस रिएक्शन को हो जाने देगा बट इन्वॉल्व नहीं होगा स्टिल, समझा? तो वैसे ही बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं। समझो हमने खाना खाया, तो उस खाने को पचाने के लिए आपको बिलीव नहीं होगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे हमारा हाथ जल जाए, ऐसा एसिड हमारे पेट के अंदर निकलता है खाना को पचाने के लिए, जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, समझा? तो ये एक रिएक्शन होता है यहाँ पे। अब ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? बॉडी में, और जो चीजें बॉडी में होती है उसे हम बायो कहते हैं, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन कहलाएगा ये। अब इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को, अगर हो रहा है बायोलॉजिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन के भी रहेगा ना भाई, हाँ, गैस्ट्रिक एसिड, परफेक्टली वैष्णवी, तो इसको भी बूस्ट करना पड़ेगा। अरे बायोगैस नहीं रे वरुण, बायोगैस ठीक है, बायोगैस भी हम निकालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बायोगैस अलग टाइप की होती है। अगर दूसरों की जो नेचर वाली है वो अलग है, हमारी वाली बायोगैस मार डालने वाली है, और बाकी वाले जो बायोगैस है वो जिंदा रखने वाली है, समझ रहे हैं? ठीक है, जस्ट ओके यार, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इट्स ओके, वी नो, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बायोगैस तो बायोगैस है, अब यहाँ के निकलो बस बाबा, यार हंसने लगोगे तुम लोग तो कैसे काम चलेगा। चलो अब यहाँ देखो, तो जो एंजाइम है वो हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल कैटलाइजर है, यानी समझा कि नहीं समझा? वो क्या है? बायोलॉजिकल कैटलाइजर, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको बूस्ट करता है, हमारे बॉडी के रिएक्शंस को बूस्ट करता है, उसे एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। चलो 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 अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनोकार्बोनेट था। अभी यहां पे देखो फटाफट, जो NADH2 FADH2 है, ये हमको कहां से मिला? एसिटाइल को एंजाइम से हमको मिला था, जो कि किसका पार्ट था? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ के रखना। ठीक है, चलो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, और ये NADH2 FADH2 दोनों एंजाइम्स हैं। अब ध्यान देना, जिस तरीके से, कहाँ यार स्लाइड वाली, जिस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर कर गया था हमारे TCA साइकिल में, और इसने परफॉर्म किया NADH2 और FADH2, उसी तरीके से अब ये NADH2 FADH2 किधर जाएगा? ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ETC में, परफेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में एंट्री मारेगा। सो लेट्स बिगिन, सभी लोग इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा, ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके चलो, कहां होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज पावर हाउस ऑफ द सेल। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में हमारा जो NADH2 है और FADH2, ये दोनों एंट्री कर गए थे। ये NADH2 FADH2 कहां से बना था? ये दोनों हमारे कहां से बने थे? किधर गया यार स्लाइड, ही गायब जाती गायब हो गएगा। ये दोनों हमारे TCA साइकिल से बने थे, समझा अच्छे से? आप जरा यहां पे ध्यान देना, NADH2 प्रोड्यूस करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और FADH2 प्रोड्यूस करता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन वाले साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और टोटल यहां पर हमारे कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमारे यहां पे क्रिएट होती है, इस बात को आपको समझ के रखना है। अब ये तो एक छोटू सा बच्चू सा एक छोटा सा साइकिल है यार, असलियत में तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनती है टोटल काउंटिंग अगर की जाए तो, बट स्टिल हम 10th में है तो हम सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीजें जान रहे हैं, सारा डिटेल तुमको 11th में मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दो, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम सिंगल साइकिल हमें यहाँ पे परफॉर्म होके मिलता है। NADH2 से एग्जाम में MCQ में पूछता है कि कितने मॉलिक्यूल बनती है, NADH2 से 3 मॉलिक्यूल, FADH2 से 2 मॉलिक्यूल। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में कितनी आ गया टोटल ये पेन कैसे उल्टा भाग रही, ये टोटल कितने मिलती है?
फाइव मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनती है। समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, परफेक्टली। चलो चलो चलो, हो गया हमारा काम, हमने सब पढ़ लिया और हमको पूरा का पूरा एटीपी फॉर्मेशन आ गया। चलो क्यों ना अब तुम लोग को सिखा दिया जाए किस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलो देख लो फटाफट माइटोकॉन्ड्रिया देख लो। जय हो माइटोकॉन्ड्रिया भैया की। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अच्छी होती है। देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर रियलिटी में इसके लोकेशन की बात करूं ना, जानते हो कैसे होता है? देखो यहाँ पे ये है हमारा सेल और ये है हमारा न्यूक्लियस और इससे हमारी बॉडी बन रही है। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है और इससे हमारी बॉडी बन रही है। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसे हमारा पावर हाउस कहते हैं। चलो ये हमारा पावर हाउस कहते हैं इसको, ये है पावर हाउस। समझा, ऐसे होता है। और इसी को अगर हम लोग साइड में ले लें तो यहाँ पे देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो अंदर ये परफॉर्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो सारे फैटी एसिड, CO2 मॉलिक्यूल, NADH2, FADH2 सब होते हैं। इसको डिटेल में 11th में पढ़ोगे, इसके अंदर क्या हो रहा है सब कुछ वहां पे पढ़ोगे तुम डिटेल में, ठीक है? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। अभिषेक पूछ रहा है सर साइंस में 95 आएगा क्या? बोलो ना सर, क्योंकि तुमको नहीं पता है क्या? खुद के ऊपर बिलीव नहीं तुमको? हमको पता है कि तुमको कितना आएगा। नहीं मतलब मैं जानता हूँ कि तुमको कितने मार्क्स आएंगे। अच्छा आइडिया भाई, सब लोग मेरे से अपना अपना भविष्य पूछ लो, मैं सबके बारे में जानता हूँ कि तुम्हारा मार्क्स कितना आएगा। मतलब यार हद हो गई, तुम लोग ऐसे कैसे पूछ सकते हो कि सर मेरे को 95 आएगा ना सर। मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं भी पूछ सकता हूँ कुछ भी। अभी मैं कल पढ़ाऊंगा ना, ये मैं पढ़ाऊंगा ना कल, मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा कल। मतलब अभी देखो आशु भी पूछ रही है मेरा कितना आएगा। अभी बाद में तन्मय बोलेगा सर मैं हंसूंगा ना, अभी थोड़ी देर में हेलो तन्मय बोलेगा सर मैं हंसूंगा ना, फिर बाद में अपने अनुष्का बोलेगी नहीं नहीं सर अभी मैं पढ़ूंगी ना सर, बहुत पढ़ूंगी ना। अरे मैं क्या जानू, खाओगे, हंसोगे, नहाओगे, पढ़ोगे, पेपर लिखोगे, जो करना है करोगे, मैं कैसे जानता हूँ क्या करना है? जो मर्जी तुम्हारी सब करो, मैं किसी का भविष्य थोड़ी जानता हूँ। 95 आएगा, पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तुम अपना कर्तव्य करो। मैं पढ़ा के यहाँ पे दे रहा हूँ, नून अकेडमी में पूरी टीम तुम्हारे लिए लगी हुई है। अब तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं पढ़ोगे तो 0 आएगा, पढ़ोगे एवरेज पढ़ोगे तो 50 आएगा, थोड़ा और पढ़ोगे तो 70 आएगा, और पढ़ोगे तो 80 आएगा, और पढ़ोगे 90 आएगा, और पढ़ लोगे तो 95 आएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो 100 भी आएगा। कुछ नहीं पढ़ोगे तो भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 30 आएगा। तो मतलब क्या ही कहो, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है चलो ठीक है, ऐसी मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, वो किसी ने पूछा था नहीं जाने दो, ठीक है अभी किसी ने पूछा था, मुझे खुद ही भूल गया किसने क्या पूछा था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है मालूम है, हमने एटीपी फॉर्मेशन सीख लिया कंप्लीटली। ओके मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिस्क्राइब अबाउट एटीपी। आई थिंक ये रिड्यूस हुआ है बट स्टिल हमें देख लेना चाहिए। देख लो यहाँ पे तो एटीपी के बारे में अगर एग्जाम में पूछ लेना, एटीपी के बारे में देखो बता देना कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और ये हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। मैंने पहले ही सब एटीपी के बारे में तुम्हें बता दिया है कि हमारे सेल को एटीपी की जरूरत होती है। ये थोड़ा सा देखना रहेगा, देख लो, बाकी कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा ना? चलो ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ अच्छे से देखा, आज हमारा टॉपिक बहुत ही बढ़िया था। तुम लोग को अभी मैं क्वेश्चन भी सब सेट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है? बहुत जल्दी ही, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है पता है तुम लोग के लिए ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, असाइनमेंट एंड होमवर्क बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? डोंट वरी, सो हो जाएगा, बस टेंशन मत लो सारी चीजें। टाइम का बहुत इशू रहता है बट स्टिल आई एम मेकिंग। तुम्हारा पेपर अच्छे से जाना चाहिए, बढ़िया एकदम झकास। कैट पूछ रहा है, मतलब बिल्लियां भी हमारे क्लास में है क्या? कैट पूछ रही है सर यूट्यूब पर एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाओ प्लीज सर। बनाया तो है यार, जाओ देख लो, पहला ग्रेविटेशन का डाल दिया है और भी आ जाएगी। एक क्वेश्चन था, यस नैना पूछो, नैना का क्वेश्चन है, नैना लगी आगे पूछो ना क्वेश्चन तुम्हारा।
कैसा दिखता है? माइटोसिस एंड मियोसिस, समझाओ सर। माइटोसिस एंड मियोसिस जो है वो इसी चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक में खुद ही टॉपिक दिया हुआ है, तो पहले से लेके फायदा क्या है? मैं डेफिनेटली बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सर, इफ यू आर देयर देन व्हाट इज द टेंशन? परफेक्टली यार, आंसर ही कहा, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो टेंशन वेंशन सब आएगा, मैं तो हमेशा जिंदगी भर रहूंगा। विच सेल डिविजन? अरे माइटोसिस मियोसिस दोनों आएगा रे बाबा, क्वेश्चन बैंक आएगा क्या? अरे आएगा अभिषेक, क्वेश्चन देखो, अभी तुम बोल रहे थे मेरा 95 आएगा कि नहीं आएगा, और बंदा देखो अभी क्वेश्चन बैंक के बारे में पूछ रहा है, कैसे चलेगा भाई? सत्य वचन बोला करो। नेक्स्ट, चलो तुम लोग के लिए फटाफट देखता हूँ, तुम्हारे कमेंट वगैरह पढ़ लो, क्या कह रहे हो? आगे चलो, आगे चलो। बस बाबा तुम लोग हंस क्यों रहे हो इतना? क्वेश्चन बैंक कौन से बैंक में आएगा? क्वेश्चन बैंक SCERT.AC.NIC की वेबसाइट के बैंक में आएगा। चलो, MCQ टेस्ट होने वाला है, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? शिव रत्न। मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे दो यार, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं लगा हुआ हूँ, दिन रात लगा हूँ, तुम लोग के लिए लगा हूँ, ठीक है? यस यस, सही कहा तो तुमने। सर उस वीडियो में बताया था, वैसे फ्लो चार्ट बनाकर दो ना आखिर में। ओके हाइड्रा, याद दिला दिया हमारे हाइड्रा ने, चलो फटाफट उसको देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे, देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे बताता हूँ, देखो भाई, देखो यहाँ पे, देखो भाई सूरज निकला, रोशनी जगत पर छाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के देता हूँ तुम लोग को, पूरे ग्लूकोज टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन का एक साइकिल बना के देता हूँ, जिसको तुम पढ़ लोगे तो एक पेज में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है, जरा ध्यान देना अच्छे से, तो ये पहली बात कहाँ होता है साइकिल? ये साइकिल होता है साइटोप्लाज्म में, सब लिख देता हूँ डिटेल यहीं पे। दूसरी बात, जब तक इसको ऑक्सीजन ऐड नहीं करोगे तब तक हमारा ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा, और तब 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 तक हमारा जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, जो हट जा भाई, ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म नहीं होगा। और एक बार अगर हमारा ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म हो गया तो फिर क्या मिलता है? अगर एक बार ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म हुआ तो हमें मिलेगा पायरुविक एसिड, हमें मिलेगा CO2, हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, ये सब कुछ हमें मिलता है। आफ्टर सम टाइम जो हमारी पायरुविक एसिड थी वो कन्वर्ट हो गई थी एसिटाइल कोएंजाइम में। अब कन्वर्ट हो गई थी, ये कन्वर्ट हो गया था, वी डोंट नो, हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ा है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में अब इंटर करेगी कौन से साइकिल में? ये हमारे दूसरे साइकिल में इंटर करेगी। दूसरा साइकिल है टीसीए साइकिल, जिसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझा अच्छे से? देखो सब पूरा का पूरा एक ही जगह लिख के दे रहा हूं, मतलब इतना फायदा तुम्हारा यार और कहाँ मिलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, टीसीए साइकिल जो है ये कहाँ होता है भाई? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भाई, पावर है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में होता है, ठीक है? चलो, आफ्टर सम टाइम जो टीसीए साइकिल, इससे क्या 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 प्रोड्यूस होता है? तो NADH2 प्रोड्यूस होता है, NADH2 FADH2 प्रोड्यूस होता है। क्या क्या प्रोड्यूस होता है? FADH2 NADH2। अब बाकी CO2 और वाटर मॉलिक्यूल तो हर जगह आ ही जाती हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो दोनों है NADH2 FADH2, ये इंटर करेगा हमारे थर्ड साइकिल में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के बारे में जानते हैं, तो जो ये ETC साइकिल है ये भी हमारा भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसके अंदर जो हमारे NADH2 है, जो NADH2 FADH2 इंटर कर गए थे, हमारा जो NADH2 FADH2 जो हमारा इंटर कर गए थे, ठीक है, ये दोनों के दोनों अंदर ATP प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारा देगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और ये हमारा देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और दोनों को कंबाइन करूंगा तो हमको यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा? 5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमको एट द एंड मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा तो रिफ्रेश कर लेना, यहां से कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। चलो, तो ये पूरा कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस से लेकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन तक का कंप्लीट एक कंप्लीट कंप्लीट फ्लो चार्ट है। अगर तुम इसको भी कर लोगे ना, इसको भी कर लोगे ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। मतलब पूरा चैप्टर का समरी एक फ्लो चार्ट में दे दिया, मतलब इस पूरे टॉपिक का। यस, अच्छा दिखता नहीं क्या तुम लोग को उधर पे?
तुम्हारे नेट में इश्यू होगा या फिर समथिंग बैंडविड्थ की इश्यू होगी, डोंट वरी, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो इस चीज को एक बार, ठीक है? समझाना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके फाइन, तो ये याद करो, देखो कैसे फ्लो चार्ट एकदम अच्छे से बना के दे दिया सर, 2 मिनट रिमेनिंग, या परफेक्टली, सो वॉट, चलो ठीक है गाइस, सो रिफ्रेश, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, चलो, सो ओके फाइन, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है? कितना परसेंट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन बैंक से, वो सब कुछ नहीं पता रहो तुझा, वो तो हमें भी नहीं पता कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन बैंक से, वी डोंट नो, बिकॉज मैं किसी SCERT के वेबसाइट या SCERT के बोर्ड का लीडर नहीं हूँ। सर प्लीज बताइए ना, आप साइंस पार्ट वन पढ़ाएंगे ना प्लीज सर, गिव अ रिप्लाई। यस नैना, अरे नैना जरूर जरूर नैना, ठीक है, आई विल डू। प्रशांत की जय हो, अरे भगवान की जय करो यार, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, ठीक है सर। वेबसाइट बनाओ, मैं वेबसाइट बनाऊँ, मैं वेबसाइट बनाता हूँ सर जी, लेकिन क्वेश्चन बैंक में से आएगा ना? हाँ आएगा आएगा। आज आप मीटिंग में नहीं गए क्या? मीटिंग में जाते तो मैं लेक्चर कैसे लेता? मैंने एजुकेशन मिनिस्टर के साथ दो दो मीटिंग छोड़ दी, पता है तुम लोग को, इनविटेशन के बावजूद भी, एक में गया था बस, दो में गया ही नहीं, कल एक लाइव सेशन लिया बस, एंड नथिंग। चलो ठीक है, इसीलिए कल का लेक्चर नहीं हो पाया, मैं सोचा आपसे मैं लेक्चर हमेशा लूंगा, तुम्हारा भला हो जाए तो फिर मेरे मीटिंग का क्या है, मेरा मीटिंग तो होते रहेगा, तो डोंट वरी यार, तुम हो तो हम हैं। यस हफीजा वेलकम, पुष्पक, चलो बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, बहुत अच्छा लगा ये लेक्चर, तुम लोग को अच्छा लगा नहीं लगा रिव्यू दे देना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, और बहुत ही अच्छे से हम लोग ऐसे सब कुछ रिवाइज करते रहेंगे, एंजॉय करेंगे लेक्चर्स को। देखो साइंस मतलब ये नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट, साइंस मतलब एकदम हैप्पी वाला सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है इसमें, कुछ नया सीखने मिलता है, जैसे कि हमने पढ़ा था बहुत ही प्यारा सा एक मंत्र, इस मंत्र को हमेशा याद रखना, कहाँ गया भैया हमारा मंत्र, जाते जाते मंत्र के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, ठीक है, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसका समापन मंत्र के साथ कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना, इनका नाम था, यहाँ पे बस ओम लगा देना एंड नथिंग, और बाकी पढ़ देना पूरे मंत्र को, ठीक है? तो ओम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फ्लेमिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड स्वाहा। चलो बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, नोट्स ले लेना, ढूंढ लेना अच्छे से, क्वेश्चन जल्दी ही आ जाएंगे, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ठीक है, चलो यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करोगे तो 95 जरूर आएगा, पूछो मत कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं, ठीक है, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, सॉरी, बाय बाय, पढ़ते रहो।